राजस्थान BSTC 2020 की पहली काउंसलिंग के लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी? साथियों, ज़्यादातर साथियों के इसके संबंध में कमेंट पूछी जा रही है। पिछले दो दिनों से हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की गई। इसके लिए साथियों मैं आपको बता दूं कि कार्य की व्यस्तता के चलते आपको अभी तक कट ऑफ के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि आखिर BSTC की कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या रह सकती है, इसके क्या मायने हैं और इसके लिए आपको किस प्रकार से सावधानी बरतनी, इन तमाम बातों के बारे में चर्चा करने वाले आज इस वीडियो में। इसलिए तमाम जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ में और प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, आपको बता दें कि राजस्थान BSTC 2020 में एक काउंसलिंग नहीं होती है, लगभग 3 या 4 काउंसलिंग होती है। जब तक प्रदेश के सभी कॉलेजों की सीटें फुल नहीं हो जाती है तब तक काउंसलिंग का कार्यक्रम चलता रहता है। आज हम जो ये कट ऑफ बताने वाले हैं, ये पहली काउंसलिंग की कट ऑफ बताने वाले, क्योंकि BSTC में जितने ज़्यादा अंक होते हैं उतनी चॉइस का कॉलेज आपको मिलने के चांसेस अधिक होते हैं। इसी के साथ साथियों मैं आपको बता दूं, जो अभ्यर्थी काउंसलिंग के बाद जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है उनको एक बार BSTC की तरफ से कॉलेज बदलने का मौका भी दिया जाता है, जिसे अपवर्ड मूवमेंट कहा जाता है। अपवर्ड मूवमेंट के माध्यम से अभ्यर्थी अपने कॉलेज को बदल सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इस वर्ष कैटेगरी वाइज कट ऑफ BSTC की क्या रह सकती है। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि BSTC 2020 का जो रिजल्ट है वो सितंबर के आखिरी सप्ताह तक आने की संभावना है और इसके बाद BSTC इसके लिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आयोजित करवाएगी और इसके बाद विद्यार्थियों से कॉलेजों की चॉइस भी लॉक कराई जाएगी। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न कॉलेजों को वरीयता के आधार पर प्रथम काउंसलिंग के दौरान चयनित करना होगा और इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की गई जाएगी। राजस्थान BSTC 2020 की कट ऑफ मेरिट लिस्ट के साथ घोषित होगी। आपको बता दें BSTC कट ऑफ के बराबर उम्मीदवार न्यूनतम अंक यदि प्राप्त करता है तो उसे उसके इच्छा का कॉलेज दे दिया जाता है। देखिए साथियों, इस वर्ष जो जनरल मेल हैं उनकी कट ऑफ 410 से 425 रहने की संभावना है। मैं आपको बता दूं कि 425 प्लस जो भी अभ्यर्थी होंगे जनरल के, उनको अपनी चॉइस का कॉलेज या फिर डाइट मिल सकती है। आप इजीली बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि 410 अंक वाले जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है, यदि वो फर्स्ट काउंसलिंग के अंतर्गत ऑल राजस्थान का ऑप्शन देते हैं। तो जनरल फीमेल को 405 से 415 तक कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। OBC की बात करें तो OBC के जितने भी मेल अभ्यर्थी हैं उनको 390 से 410 में ऑल राजस्थान ऑप्शन के साथ कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन 410 प्लस OBC के जो अभ्यर्थी हैं उनको अपनी इच्छा का कॉलेज सबसे निकटतम फर्स्ट या सेकंड चॉइस मिल जाएगी। OBC फीमेल की कट ऑफ 385 से 395 रहने की संभावना है, जबकि बात करें SC मेल की तो SC मेल की कट ऑफ 370 से 380, 380 प्लस वाले को बिल्कुल अपनी चॉइस का कॉलेज मिल पाएगा। SC फीमेल 340 से 350, 350 प्लस में आपको टॉप 5 कॉलेज मिल जाएंगे। ST की कट ऑफ की जहाँ तक बात करें तो ST की कट ऑफ 360 से 370 और ST फीमेल की 310 से 320 रहने की संभावना है। साथियों, MBC की कट ऑफ मैं आपको बता दूं, MBC की कट ऑफ है वो OBC के लगभग 5 या 10 अंक कम होती है। जैसे आप मान के चले OBC मेल की कट ऑफ 390 से 410 है तो आप MBC की कट ऑफ 390 के आसपास मान सकते हैं, लेकिन आपको बता दें EWS की कट ऑफ के बारे में कोई निश्चितता नहीं है। इसकी बड़ी वजह EWS के सर्टिफिकेट हैं, क्योंकि EWS में अभी भी निश्चित नहीं हो पाया कि EWS कैटेगरी में कितने जो अभ्यर्थी वो सर्टिफिकेट बनवा चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं EWS की कट ऑफ 310 भी रह सकती है और 380 तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि बिल्कुल हर एग्ज़ाम में EWS की कट ऑफ चौंकाने देने वाली सामने आ रही है, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर परीक्षार्थी इस संबंध में सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए।
इसलिए अनिश्चितता की वजह से अभी हम आपको EWS की कट ऑफ के बारे में नहीं बता सकते। जैसे ही इस संबंध में कोई बड़ी अपडेट हमें मिलती है तो हम आपको इसके संबंध में भी जरूर सूचित करेंगे। साथियों, इस सीरीज़ की अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस कट ऑफ का आधार क्या है। जो चार बड़े मानक हैं कट ऑफ के, और इसी के साथ में हम आपको जो गत वर्ष की कट ऑफ है उसके तुलनात्मक दृष्टा भी बताएंगे कि उससे कितनी ज़्यादा या बराबर कट ऑफ रहने की संभावना है, पेपर का स्तर क्या रहा, उस स्तर के मुताबिक हम चार मानकों पर इस कट ऑफ का विश्लेषण भी करने वाले हैं। इसलिए BSTCC से जुड़ी प्रत्येक अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। यदि आपकी कोई क्वेरी या जिज्ञासा है, क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर हम आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में साथियों, बस इतना ही। नमस्कार।